सम्राट बाला साहेब ठाकरे। हिटलर की तारीफ कर विवादों से नाता जोड़ा। श्रीलंका में आतंक का पर्याय बने लिट्टे को खुला समर्थन दिया। हिंदू राष्ट्रवाद का सुंदर रंग बिखेरने वाले नेता। सत्ताधारी पार्टियों में भी बाला साहेब ठाकरे ने खौफ भर दिया। हिंदुवादी एजेंडे को धार देने के लिए बीजेपी का साथ चुना। कांग्रेस राज में कानून को ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। क्या बाला साहेब ठाकरे का इतना परिचय काफी है? नहीं, बाला साहेब ठाकरे की शख्सियत ऐसी थी कि हर कोई या तो उन्हें खौफ की नजर से देखता था या फिर सम्मान भरी नजरों से। हिंदू हृदय सम्राट के नाम से विख्यात बाला साहेब ठाकरे की छवि बहुत प्रभावशाली थी और जैसा कि बताया, उन्होंने तो कानून को भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। चेता दिया था तत्कालीन कांग्रेस सरकार की पुलिस को, मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। जी, बात 1992 की है, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बाला साहेब ठाकरे के आह्वान पर शिव सैनिकों ने जमकर उपद्रव किया था। ठाकरे ने भी कहा था कि शिव सैनिकों ने जो किया सही किया। हालांकि मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करने के लिए तो वो जाने ही जाते थे। 80 के दशक से ही वो मुसलमानों को कैंसर मानने लगे थे। उन्होंने कहा था, मुसलमान कैंसर की तरह फैल रहे हैं और उनका इलाज भी कैंसर की तरह ही होना चाहिए। देश को मुसलमानों से आजाद कराने की जरूरत है और पुलिस को हिंदुओं की ऐसे ही मदद करनी चाहिए जैसे पंजाब में पुलिस ने खालिस्तानियों की मदद की थी। इतना ही नहीं, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भी बाला साहेब ठाकरे ने बेलगाम होकर मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की थी। उन पर भावनाएं भड़काने का मामला भी दर्ज किया गया था। 1992-93 में उन्होंने उस समय सत्ता पर विराजित कांग्रेस को खुलेआम चेता दिया था। बाला साहेब ठाकरे ने कहा था, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो जम्मू कश्मीर तक पूरा मुल्क भड़क उठेगा। ठीक है, मेरी वजह से सरकार चाहती है कि धर्मयुद्ध शुरू हो तो ऐसा ही सही। उस वक्त बाला साहेब का नाम ऐसा था कि सिर्फ बाला साहेब के चंद शब्द सरकार के गले की फांस बन गए। कांग्रेस सरकार बाला साहेब ठाकरे को भड़काऊ बयानबाजी करने के बाद भी छू ना सकी। अब चाहे इसे बाला साहेब ठाकरे का दबदबा कह लीजिए या फिर कांग्रेस की कमजोरी, लेकिन बाला साहेब ठाकरे के आगे कांग्रेस की एक नहीं चली और इसका परिणाम ये हुआ कि बाला साहेब ठाकरे की इमेज एक टाइगर की बन गई जो महाराष्ट्र के सियासी घमासान में वो कूद पड़े। ये वो दौर था जब राजनीति में रम चुके बाला साहेब ठाकरे को हर कोई जानने लगा था। पूरे महाराष्ट्र में उनकी तूती बोलने लगी थी। लेकिन इसी दौरान जब ओबीसी रिजर्वेशन का बाला साहेब ठाकरे ने विरोध किया तो इस बात पर उनके अपने ही साथी छगन भुजबल ने उनका साथ छोड़ दिया। भुजबल ओबीसी समाज से आते थे और मंडल कमीशन के सिफारिशों को लागू कराना चाहते थे, जबकि बाला साहेब ठाकरे पूरी तरह से इसके विरोध में थे। विचारों में मतभेद हुआ। अपने समाज के साथ जाने के लिए भुजबल ने बाला साहेब ठाकरे से अपना बरसों पुराना नाता तोड़ लिया। बाला साहेब ठाकरे का रिजर्वेशन का विरोध करने पर तर्क था कि समाज में भी रईस आदमी है तो क्या उसके लड़के को भी रिजर्वेशन का फायदा देना उचित है? बाला साहेब ठाकरे जनता के भरोसे पर जीते थे, जनता को उनमें अटूट विश्वास था और इसी विश्वास के बल पर बाला साहेब ठाकरे ने बहुत से ऐसे काम कर दिखाए जिनको करने के बारे में और कोई शायद सोच भी नहीं सकता था। बाला साहेब ठाकरे जानते थे कि अगर उनके लिए जनता का भरोसा बना रहा, अगर वो जनता के लिए भरोसेमंद बने रहे तो सत्ता तो उनसे कोई नहीं छीन सकता था। ये जनता का ही बल था, जनता का ही खौफ था। बाला साहेब ठाकरे में जनता का ही भरोसा था जो कांग्रेस सत्ता में होने के बाद भी बाला साहेब ठाकरे को छू नहीं पाई थी। हालांकि राजनीति जरूर अब बाला साहेब ठाकरे के हाथ में आ चुकी थी। शिवसेना की राहें सत्ता के गलियारे तक पहुंच चुकी थी। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने चुनावी गठबंधन किया। एजेंडा दोनों ही दलों का एक था, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व। लेकिन अब जब बाला साहेब ठाकरे के जाने के बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे अपने इसी एजेंडे से, अपनी इसी विचारधारा से विमुख हो गए,
तो फिर सत्ता से भी दूर होते, उन्हें देर नहीं लगी। हालत ऐसी हो गई कि पिता की खड़ी न पार्टी बचा पाए और न पिता का बनाया चुनावी चिन्ह। सब एकनाथ शिंदे को मिल चुका है, फिर भी बाला साहेब ठाकरे के बेटे ने एनसीपी और कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा है। उसी का नतीजा है कि लग रहा है जैसे राजनीति से हाथ उनका छूटता चला जा रहा है। वैसे कैसी लगी आपको बाला साहेब ठाकरे से जुड़ी, उनकी छवि से जुड़ी, उनकी रौबदार शख्सियत से जुड़ी ये कहानी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें यह भी बताएं कि क्या बाला साहेब ठाकरे के एजेंडे से ही उद्धव ठाकरे विमुख हुए हैं, इसलिए जनता के विश्वास को भी खो चुके हैं? इस बारे में आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।